जैसा आपको मालूम है कि मैं पहाड़ ट्रस्ट के साथ जो है काम कर रहा हूँ, हमारा काम लगभग जो है चंबा जिला के 20 गांव में है। और आज हमारे साथ जो साथी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे मेंटर हैं, हमारे गुरु हैं, जो एक किसी मतलब पहचान के मोहताज नहीं है। इनका नाम पद्म श्री नेकराम शर्मा जी हैं, जो गांव नांद जिला मंडी के रहने वाले हैं और जिन्हें हम बहुत गर्व से हिमाचल में मिलेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने पिछले 35 सालों से जो काम किया है, जिसमें इन्होंने बीज बचाने के लिए, जंगल बचाने के लिए बहुत सारा जो है काम किया है। और पिछले 30 सालों से जिसे हम मोटा अनाज बोलते हैं, हिमाचल के जो दो दुर्गम स्थानों में होता है, उसको बचाने के लिए इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है संघर्ष किया है। और बहुत सारे लोगों को ने इनसे प्रेरित होकर जो है प्राकृतिक खेती, पुराने बीजों को और मिलेट की खेती लगाना जो है शुरू किया है। तो हमने नेकराम जी को चंबा जिला में इनवाइट किया था, रिक्वेस्ट किया था कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन के कारण चंबा में लोगों को खेती करने में मुश्किलें आ रही हैं, पुराने बीज ख़त्म हो रहे हैं, मोटा अनाज जिसे पौष्टिक अनाज भी हम बोलते हैं, मिलेट भी बोलते हैं, तो उनका भी धीरे धीरे जो है खेती कम होती जा रही है। तो दो दिन में जो भी हमने पद्म श्री नेकराम शर्मा जी से हमारी टीम ने सीखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पद्म श्री नेकराम शर्मा जी से कि आप अपने अनुभव जो है हमारे साथ साझा करें। सभी लोगों को सादर प्रणाम। और मेरा ये परिचय तो हो गया है। और मैंने अपना ज़िंदगी में जो मैं कर रहा था, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा था, परंतु वो मुझे लगा कि मेरे गांव का बहुत बड़ा समस्या है और मेरी शिक्षा का ये गांव के लोगों को क्या लाभ हुआ, ये कहीं ना कहीं मेरे गुरु ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि बेटा पढ़ लिख करके उस समाज को जहाँ पे तुमने शिक्षा स्कूल में हासिल की और उस समाज में आप बड़े हुए, उसके लिए आपका क्या उत्तरदायित्व है। मुझे समझ आया कि मेरे गांव में बहुत सारा फ्लड आता था और जो पूरा पहाड़ियाँ हैं ओवरग्रेजिंग होता था, बहुत फायर उसमें लगती थी, तो उसको हमने बचाने का प्रयास किया था। वो एक शुरुआत थी मेरी, 1990 में किया था और पीपल पार्टिसिपेशन से हमने ये शुरुआत की। बहुत उसमें मुश्किलें आई, सब लोग नाराज़ हुए और सिर्फ कुछ एक महिलाएं हमारे साथ जुटी, जिनको अपना पशु के लिए जो स्टॉल फीडिंग और दूसरा हर रोज़ जो जंगल से चारा लाना होता था वो जुड़ी हमारे साथ। तो जैसे जैसे वो चारा का सफलता मिली, उसके साथ साथ जो सॉइल टॉप कवर है वो अच्छी हुई और जैसे ही बरसात आई तो उसमें से जो मिट्टी बह के कंकड़ बह करके गाँव में पहुँचता था खेतों में, वो रुक गया। उसके चलते धीरे धीरे बाकी लोग भी थोड़ा मोटिवेट हुए और ये लोग सब जुटे और उसके चलते पूरा कुशोक ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने लगभग 40-45 ऐसे ग्रुप बनाए जिनमें हमने नारा दिया था 1992-93 के आसपास में कि गांव का जंगल गांव के हाथ। तो उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स जंगली जानवरों के लिए वो सब किया। मगर धीरे धीरे लगा कि हमारा खेती में जो हमारे जो परंपरागत अनाज हैं वो सब ख़त्म हो गए, नए नए बीज आ रहे थे। मैं भी 1984 से 1990 तक बहुत सारा केमिकल फार्मिंग किया, मगर मुझे लगा 1990 के आसपास में कि मैं इतने कीट मार रहा हूँ, इतना खतरनाक मैं उसमें जो इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहा था। तो यूनिवर्सिटी में जा जा करके मैंने खूब सारे सवाल किए, परंतु उसमें एक ही जवाब था कि ये इसके बिना नहीं हो सकता, ये सब तो इस्तेमाल होगा। मुझे लगा कि क्या कोई और तरीका नहीं है कि जिससे कि हम अपने कीट को खेत में आने से रोकें। तो कहीं से अनुभव मिला और हम लोगों ने कोशिश किया अपना जो परंपरागत और प्राकृतिक तरीके से कुछ शुरुआत की और उसके चलते देखा तो कुछ रिजल्ट अच्छे आए। और जो हमारा परंपरागत कृषि की जो पद्धति थी कि जिसमें खेतों में जो हमारा फसलें हैं वो रोटेशन में लगती थी, एक वो तरीका। दूसरा जो हमारा जितना भी जो काउडंग है बहुत सारा होता था सब, वो उसको अच्छे से तैयार करके वो खेतों में ठीक से लगाना शुरू किया, तो उससे लाभ हुआ कुछ। और ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको बंद किया। और कुछ एक ऐसे चीज़ें हैं हमारे प्रकृति में कुदरत ने दी हुई कि जहाँ की कोई कीट नहीं बैठता, उसी का रस निकाल करके उसी का स्प्रे किया तो वो कीट आना कम हुए। मेरा अनार का बगीचा था और मैं बहुत जगह ये बात करता था, जब उसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगा तो मुझे सब मजाक करते थे कि ये तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो मैंने कहा हमें किसने ये अधिकार दिया कि हम कीट को मारें? तो कीट को मारना अगर कोई का हत्या करना पाप है तो ये भी तो हम पाप कर रहे हैं ना, तो हमें उसको आने से रोकना है। तो वही मैंने काम किया था। वो धीरे धीरे कुछ समझ आया, मैं लगभग पूरा हिंदुस्तान घूमा, बाहर भी मैं गया, आउट ऑफ कंट्री गया, पर मेरे मन में एक ही वो था कि हम ऐसा जो अन्न है वो पैदा करें जो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो। और पता चला गांव के बुज़ुर्गों से मैंने सीखा कि हमारे जो ये परंपरागत अनाज थे जिन्हें आज मिलेट्स बोल रहे हैं, अंग्रेजी शब्द है ये, और इसको सीरियन भारत सरकार ने बोला, और हमने इसका नाम तब रखा था अद्भुत अनाज। अद्भुत अनाज मतलब वो हमारा भूख तो मिटा रहा है मगर उसके साथ साथ वो हमारे शरीर से जो रोग हैं वो उनको भी मिटा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो खाए तो उसका रोग खत्म हो जाएगा, अगर बीमार नहीं है वो खा रहा है तो रोग आएगा ही नहीं। तो जो हमारे ये जो मिलेट्स हैं ये ना केवल कि हमारा भूख मिटाता बल्कि ये हमारे शरीर में रोगों से बचने के लिए एक पूरा जो ताकत है, हमारा इम्यूनिटी उससे बढ़ता है। तो इम्यूनिटी बढ़ता है तो आदमी मजबूत होता है क्योंकि उसमें फाइबर है ज़्यादा, और दूसरा हम जो भोजन खा रहे हैं उसमें मैदा है ज़्यादा जो ग्लूकोज फ्लड के रूप में रिलीज करता है शरीर में। ये सभी लोग जानते हैं, तो मेडिकल साइंस भी बोलती है इस बात को। तो जो हमारे मिलेट्स हैं उसमें फाइबर ज़्यादा है, और वो जो फाइबर है वो हमारे जो हमारे बड़ी आंत में जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो उनका भोजन है, जो हमारे फौज है, सेना है, हमारे शरीर के को बलवान बनाने के लिए, तो वो जो रेशा है वो उनका भोजन है। तो वो माइक्रोब्स मर रहे हैं, हमारा इम्यूनिटी ख़त्म होती जा रही है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो मिलेट्स है इसका बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होना चाहिए। जो मिलेट्स हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, अनूप जी ने मुझे ये जो यहाँ बुलाया, तो हम लोग दो दिन जो लोगों से बातचीत की तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमने बहुत सारा सीड भी बांटा लोगों को। और इसके गुणवत्ता इसकी क्या है, इसको क्यों खाना है हमें, वो सब चर्चाएं हुई सारी, और लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया। इसका कई तरह का रेसिपी जो है वो लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है, हमने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया, और इनके जो पहाड़ ट्रस्ट है उसमें बहुत सारे लोगों ने ये सब करना शुरू कर दिया है। तो मुझे बहुत खुशी है, अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है जो चंबा मिंजर मेला के नाम से जाना जाता है, मैं लास्ट ईयर भी यहाँ मैंने बहुत कोशिश करी थी कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनको यहाँ स्टॉल मिले, सरकार उसमें मदद करे, फ्री में वो स्टॉल मिले विभाग द्वारा उन ग्रुपों को जो इस ये जो एक नई क्रांति है, एक मैं कहूँ कि एक असल तरह का एक ऐसा एक हमारा जो भोजन जो हमारी थाली से विलुप्त हो गया था वो तैयार करने में जो किसान भाई बहन मदद कर रहे हैं वो उसकी रेसिपी यहाँ बनाएंगे इस मेले के अंदर, तो उनको पूरी तरह से मदद हो ताकि जो आदमी उसको खाएगा वो सीखेगा कि वो कैसे बना ये भी साथ में, और महसूस करेगा उसके शरीर को क्या लाभ हुआ, तो वो अपने घर में भी जा कर के बनाएगा। और यहाँ पर पहाड़ ट्रस्ट की तरफ से काफ़ी सारा जो मिलेट्स का जो इसका आटा है, इसका अनाज है, कई तरह का कुछ प्रोडक्ट भी होंगे वो भी यहाँ रखे जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा ये जो मिलेट्स है, श्री अन्न है, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, ना केवल हमारी सेहत के लिए बल्कि ऑल ओवर जो हमारा एनवायरनमेंट है ये उसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें पेस्टिसाइड का जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई भी फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं पड़ती, ये कम पानी में, ये कम उपजाऊ ज़मीन में ये अच्छी पैदावार देते हैं। आज ही हम लोग देख रहे थे जहाँ हम लोग गांव में गए थे, वो गांव का नाम पनेला गांव था, तो वहाँ जबकि मक्की सूख रही है मगर दूसरी तरफ जहाँ उन्होंने फिंगर मिलेट्स लगाया है, कोदरा लगाया है, वो पूरी तरह से हरा भरा है। तो हमने चर्चा करी कि ये देखो मक्की, ये यहाँ का जो जलवायु है, यहाँ का जो इसमें जो मक्की जो सूख रही है ये कह रही है कि मुझे मत बीजो यहाँ पर, और दूसरी तरफ ये श्रीयंत कह रहा है कि मैं तो हरा भरा हूँ, मुझे तो बस मामूली सा नमी चाहिए और मैं तो आपको अच्छा पौष्टिक अनाज दूंगा। तो ये सब चर्चाएं हमारे गांव के अंदर हुई, और मेरा सभी आप जो मीडिया के बंधु हैं आपसे भी मेरा निवेदन है कि ये आपके माध्यम से बहुत सारा प्रचार प्रसार होगा, और ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम भी है कि एक अच्छी चीज़ का हम लोग प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि ये हमारे जितने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं मरीजों से, यहाँ
कुछ रोक लगेगी, ये मेरा बिल्कुल पक्का मेरा ये मानना है, मेरा पूरा विश्वास है कि जब लोग अपना खान पान में बदलाव करेंगे, लोग ये फाइबर युक्त और रसायन युक्त रसायन मुक्त खाना जब खाएंगे तो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो लोग बीमार क्यों होंगे, तो ये हॉस्पिटल की भीड़ स्वतः ही कम हो जाएगी। तो ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस मेला के अंदर हम सब लोग कोशिश करें, और मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि वो भी उसमें पूरी तरह से मदद करे उन लोगों का जो इसमें अपना ये मिलेट्स का रेसिपी बनाने के लिए आएंगे, उनका पूरा सपोर्ट हो और ये मुहिम आगे बढ़े।